स्वास्थ्य विभाग को मैं विशेष तौर पर इस बात के लिए बधाई देता हूं। इसके बारे में चर्चा हुई पिछले वर्ष और उसको फिर चुनाव के पश्चात लागू करने का निर्णय हुआ। हम लोगों ने जो आप जानते हैं कि नया 7-2 निर्धारित किया था और चुनाव के बाद पुनः सरकार बनी तो हम लोगों ने उसके लिए कैबिनेट का निर्णय लिया और 7-2 में भी बाल हृदय योजना उसमें शामिल। और आप जानते ही हैं कि हार्ट में छेद हो जाता है अगर किसी बच्चे को, तो इसकी तो किसी को जानकारी और पता रहता नहीं है, तो कई तरह की कठिनाई कुछ उम्र के बाद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य विभाग ने सोचा कि हम लोग इसके लिए उनकी जांच करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, ये हो गया था कि हम लोग बिल्कुल 1 अप्रैल से इस काम को पूरा शुरू करा देंगे और इसके पहले ही पूरी जाँच हुई। और जैसा आपको बताया गया कि यहाँ पर बिहार में जो IGIC है और IGIMS है, ये दोनों जगह पर ये इंतजाम किया गया है जांच का और इलाज के लिए भी। आगे इसके लिए जो भी तैयारी है वो की गई है, की जा रही है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ हम लोगों का गुजरात में, एक जो अहमदाबाद के पास एक प्राइवेट अस्पताल है, तो उनके साथ बातचीत हो रही, ये मालूम हुआ कि उस अस्पताल के द्वारा देश के अनेक राज्यों के इस प्रकार के बच्चे बच्चियों को वो मुफ्त में इलाज करते हैं। तो उनके साथ हम लोगों की भी बातचीत हुई और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया। और आज उसी के बाद उन लोगों ने कुछ चिकित्सकों को और लोगों को भी भेजा, तो यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बच्चे और बच्चियों का टेस्ट भी किया गया, दोनों में, IGIC में, IGIMS में। और टेस्ट करने के बाद जो तय हुआ कि ऐसे लोग पीड़ित हैं, इनको इलाज के लिए भेजा जाएगा, तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। आज वैसा बताया गया कि आज 21 लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है और सरकार ने यह तय किया कि मुफ्त में इलाज, वहाँ अस्पताल में तो इलाज करेंगे मुफ्त में, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए यहाँ भी जो इलाज किया जाएगा मुफ्त में होगा। और अगर हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो उनको भेजने का खर्चा, सिर्फ पेशेंट तो नहीं जाएगा, बच्चे हैं या बच्ची है, उनके अभिभावक कोई जाएंगे साथ में, तो उनके भेजने का, लौटने का इंतजाम, वहाँ पर जो कुछ ज़रूरत हो उसके लिए इंतजाम, ये राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देगी। और वहाँ पर इलाज तो मुफ्त में होगा, तो पूरा सब इलाज करा करके लोग आएंगे। और जब आप भेजा जा रहा है तो पहली बार इलाज के बाद यहाँ पर लौटेंगे तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी और सब लोग अधिकारियों के साथ बैठ करके आप लोगों को बुला करके उन बच्चों से भी बात करवाएंगे, ताकि इसके बाद कैसा अच्छा असर हुआ। अभी हम सबको देखे हैं, अभी हम सबको देखे, कोई कुछ एकाध तो बहुत कम उम्र का, कुछ की उम्र भी 4 साल 5 साल, एकाध 10 साल से भी ज़्यादा, तो इस तरह का भी देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी बीमारी। और मैं बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत ही बधाई देता हूँ कि जो काम इसके बारे में बात हो गई और हुआ कि इसको किया जाएगा, ये बहुत अच्छा विचार था। क्या आप समझ जाते हैं कि हृदय में छेद, और ये किसी को तो मालूम रहता नहीं, बच्चा जन्म लेता है किसके हृदय में छेद, तो उसकी पूरी जांच करके और उसका इलाज करा दिया जाए ताकि वो जीवन भर ठीक ढंग से रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस योजना की शुरुआत करा दी गई राज्य सरकार के द्वारा, उनका सहयोग सब कुछ, और पूरे बिहार में ये काम हम लोग कराएंगे। और अभी तो बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी इलाज होगा, इसके आगे और भी हम लोग देख करके अन्य जगहों पर करेंगे, ताकि ऐसे बच्चे बच्चियों का ठीक ढंग से इलाज हो सके। नवादा में मौत को लेकर सर, शराब को लेकर, पीने को लेकर के होली के दरमियान बहुत मौतें हुई, खासकर नवादा में। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग गए, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई। कल आसाम में जिस तरीके से EVM मशीन पकड़े गए हैं बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से, कुछ कहिएगा सर? भाई सब तो प्रशांत किशोर को